हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ब्यूटीफुल सा बाजू का डिज़ाइन बताऊंगी। जैसे बाजू सिंपल कटिंग होता है, वैसे फ्रंट हम कटिंग कर लेंगे। जितना लेंथ आपको रखना है आप रख सकते हैं। सिंपल बाजू की मेरा कटिंग हो गया। इसका बीच सेंटर हम निकाल लेंगे और यहाँ से दो पल्ला थोड़ा सा छाट लेंगे। ये मेरा एक बाजू है, इसको बीच बीच से मिला के इसका नाखून की हेल्प से हम इसको अच्छे से निशान लगा लेंगे। ये मेरा 11 इंच तक डिजाइन बनेगा। ये मेरा पट्टी है, 3.5 इंच का है और इसका लेंथ है 12 इंच और विड्थ है 3.5 इंच। और इसको भी डबल फोल्ड करके इसका भी बीच का निशान लगा लेंगे। यहीं पे रख के मेरा डिजाइन बनेगा। अब हम स्टिच करके दिखाते हैं आपको। अच्छे से मिला के डबल फोल्ड कर लिए हैं हम और यहाँ से बीच का सेंटर निकाल लेंगे और इसको ओपन कर देंगे और यहाँ चौक से निशान लगा दे रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखे। ये मेरा पट्टी है, साइड से चारों तरफ से हम फोल्ड कर लिए हैं। इसका भी बीच का सेंटर निकाल के और यहाँ से 3.5 इंच नीचे छोड़ देंगे और यहाँ एक मार्क कर लेंगे। यहाँ तक ही मेरा डिजाइन बनेगा। इसके ऊपर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको भी ऊपर से निशान लगा दे रहे हैं कि आपको दिखे अच्छे से। सेंटर से सेंटर मिला के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और यहाँ से जो लाइन लगा जो निशान हम लगाए हुए हैं उससे 1/2 इंच पर छोड़ के मशीन को चलाएंगे। एक सीएन इधर चलाएंगे और यहाँ पे एक लूपी बनाए हैं, यहाँ पे एक लूपी अटैच करेंगे नीचे से रख के और यहाँ से स्टिच करेंगे। फिर 1 इंच पर एक और लूपी को अटैच करेंगे। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। इसको भी यहाँ अटैच करेंगे। ऐसे ही सेंटर से मिलाते हुए अच्छे से स्टिच करते जाएंगे। ध्यान रहे कि मेरा कपड़ा इधर उधर नहीं जाए, बीच में ही स्टिच करें अच्छे से, नहीं तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। फिर यहाँ मशीन को रोक लेंगे और घुमाएंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा सिलेंगे, फिर मशीन को रोकेंगे, फिर इस कपड़े को घुमा के और सीधा स्टिच करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड। यहाँ से सीधा स्टिच कर लेंगे, पूरा निकाल लेंगे सिल के। और यहाँ बीच से काट लेंगे। ध्यान रहे कि मेरा सिलाई का जो सिलाई किए हुए है वो कटना नहीं चाहिए। और यहाँ पे छोटे छोटे दोनों तरफ नोचेस लगा लेंगे कि अच्छे से मेरा कपड़ा पलटा जाए। यहाँ नाखून से अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों साइड से अच्छे से। और यहाँ हल्की सी पाइपिंग निकालते हुए ऊपर से एक सीएन चलाएंगे। अगर आप चाहे तो उसको पूरा अंदर कर सकते हैं, पाइपिंग नहीं निकालेंगे, लेकिन मैं निकाल के बना रही हूँ। थोड़ा सा पाइपिंग निकाल के ऊपर से मशीन को चलाते जाएंगे एक सीएन को। अच्छे से पूरा ऊपर से नीचे तक देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मेरा बन रहा है। थोड़ा सा पाइपिंग निकला हुआ है और अच्छे से बनते जा रहा है। ऐसे ही आप भी बनाइए। ऐसे ही पूरा में स्टिच करते जाएंगे। इसको भी नीचे से यहाँ छोटे से नोचेस लगा देंगे दोनों साइड। और देखिए अच्छे से ऐसे नोचेस लगाने से अच्छे से मुड़ जाता है कपड़ा फिनिशिंग के साथ मेरा। और यहाँ तक स्टिच करते आएंगे और यहाँ तक यहाँ पे मशीन को रोकेंगे
और फिर इसको भी अंदर करके थोड़ा सा पैपिन निकाल के और यहाँ से भी स्टिच करेंगे। फिर यहाँ भी मशीन को रोकेंगे और फिर सीधा ऐसे ही पतला पैपिन निकाल के पूरा में स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मेरा पूरा स्टिच हो गया। ये देखिए फ्रेंड, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको इधर एक फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे। इसी तरह इधर साइड का भी स्टिच करेंगे डबल फोल्ड करके। इसको ऐसे पकड़ के अच्छे से इसको नाप लेंगे कि हाँ यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पे चौक से निशान लगा लेंगे और वहाँ से फोल्ड करके उसको स्टिच कर लेंगे कि मेरा बाजू छोटा बड़ा ना हो, एक बराबर दोनों हो, मेरा बाजू अच्छे से बने। और इसको भी स्टिच करते जाएंगे। और इसको बीच का धागा काट लेंगे। और एक और लूपी लेंगे और यहाँ किनारे पे दो लगा लिए हैं और एक ऊपर से यहाँ पे किनारे पे रख के इसको स्टिच करेंगे। दो तीन चला देंगे कि लॉक हो जाए अच्छे से। ये मेरा हो गया। और फिर यहाँ से एक किनारे पे एक धागा को चला लेंगे, एक मशीन चला लेंगे और ये वाले बाजू पे भी इसको भी एक सिलाई चला लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम बटन को लगाएंगे। यहाँ मेरा बटन लग जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए हम बाजू बटन भी अटैच कर लिए और उसमें लूपी को अंदर से डाल दिए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पहनने में भी और भी बेहतरीन लगता है। मेरा बाजू बनके रेडी हो गया। आप भी ट्राई कीजिए फ्रेंड। बाय बाय।